हेलो मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग शादा बी जॉन। तो मेरे घर पर आई हुई है मेरी फ्रेंड अपने बेटे के साथ, तो हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं मस्ती करने। कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ, काके रोड में मीनू हाइट में सेकंड फ्लोर में खुला है जेरी लैंड, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी गेमिंग जोन बताया जा रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो हम भी उसका चक्कर लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना है। लास्ट दिसंबर ही इसकी ओपनिंग हुई है और हम लोग जो है ना वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँच पर हमें लेनी पड़ती है लिफ्ट, क्योंकि हमें जाना है सेकंड फ्लोर पे। और फिर जब हम लोग सेकंड फ्लोर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें करानी होती है अपनी एंट्री। यहाँ पे आपसे नाम, आपका फ़ोन नंबर इत्यादि पूछा जाता है। फिर जब हमारी एंट्री होती है तो ये है खूबसूरत सा जेरी लैंड, जहाँ पे बहुत सारे गेम हैं जिसको आप और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि ये जेरी लैंड जो है ना वो बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी है। जी हाँ, यहाँ बच्चे बड़े हर जनरेशन के लोग आकर इंजॉय कर सकते हैं और कर भी रहे थे हमारे सामने ही। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ा कि यहाँ पे कौन कौन से गेम हैं। तो हमने चारों तरफ घूमकर देखा तो बहुत सारे यहाँ पे गेम थे। कुछ कुछ हमें पता थे और कुछ कुछ तो न्यू थे हमारे लिए, और लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो पहले एक चक्कर लगा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा गेम खेलना है। बट अरहम जो है ना वो जाकर एक राइड पे बैठ गया। अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बाद में हमें पता चला कि राइड स्टार्ट करने के लिए आपको कार्ड रिचार्ज कराना होगा। जी हाँ, यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपको कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीका का। तो मतलब आप अगर गेम खेल लोगे तो फिर आपका जो बैलेंस होगा कार्ड में वो कटते जाएगा। तो इसी तरह से आपको कार्ड रिचार्ज कराना होता है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की कि किस तरह के कार्ड रिचार्ज होते हैं। ब्लू, सिल्वर एंड गोल्ड, मिनिमम 500 से स्टार्ट है। 500 पे पे करेंगे 25 का बैलेंस मिलेगा। 1000 में 1000 है, 1500 में 1750 है, 2500 में 3000 का आपका बैलेंस मिलेगा। इसमें बेनिफिट ये है ना कि आपको इसमें 1 गेम 3 गेम्स आपको फ्री मिलेंगे। ओके, 3500 में 4300 का बैलेंस मिलेगा, 5000 में 6300 का बैलेंस मिलेगा आपको, 8000 में 10500 का बैलेंस मिलेगा, प्लस 4500 का अलग से बेनिफिट ये है आपको 10 फ्री गेम्स मिलेंगे, 2 सॉफ्ट एरिया में एक्सेस मिलेगा, फ्री एक्सेस मिलेगा VIP प्राइजेस 10, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा रिडम्पशन में, एंड देन आपको सॉफ्ट एरिया का एक्सेस जो है उसमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड VIP इन्विटेशन में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर है फ्रॉम लास्ट विजिट। देन आपको जितने भी गेम्स हैं सारे गेम्स का प्राइजेस इंडिविजुअल। ये हमने लिया है 500 का कार्ड। सबसे मिनिमम रिचार्ज जो है वो 500 का था, तो हमने 500 का बैलेंस डलवाया था अपने कार्ड पे। और ये जो डिस्प्ले बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये हर गेम पे लगा हुआ था, जहाँ पे आप वो कार्ड को टच करेंगे तो आपका गेम जो है वो स्टार्ट हो जाता था। अब यहाँ पे जो है ना अरहम बहुत खुश था, क्योंकि उसकी राइड जो है ना स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो तो बहुत ही इन्जॉय कर रहा था। साथ में वहाँ पे और भी बहुत तरह के लगे हुए थे, बाइक थे और भी बहुत तरह के गेम थे खेलने के लिए, जो बच्चे सारे इन्जॉय कर रहे थे। छोटे बच्चे भी थे और बड़े बच्चे भी थे और हमारे जैसे बच्चे भी थे, तो हम भी जो है वहाँ पे इन्जॉय करने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था गेम खेलने में। सच में जेरी लैंड जो है ना वो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पे बड़े बच्चे जो है ना सब खेल सकते हैं, सारी उम्र के लोग। और यहाँ पे जो है ना मुझे सबसे नई चीज़ देखने को मिली, जो कि रांची में फर्स्ट है, वो है VR गेमिंग जोन। तो यहाँ पे आप वर्चुअल रियलिटी गेम का मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ पे लोग मज़ा ले भी रहे थे और हमें भी देखने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर ना बड़े ही प्यारे प्यारे टेडी बियर थे, जिनको आपको सेलेक्ट करके निकालना था। अगर आप निकाल लेते हो तो वो टेडी बियर है आपका।
और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे सेक्शन बने हुए हैं बच्चों के लिए, जिनको जिस गेम में मन लगता है ना वो बच्चे उसमें खेल सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन बने हुए हैं और वहाँ पे बच्चे जाके इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी वाले भी सेक्शन थे गेम के, जो कि काफ़ी मज़ेदार थे, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे जो वॉलंटियर थी वो बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रख रही थी और वो बच्चों को बता भी रही थी कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, उनको गाइड कर रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे एक और गेम, ये पता नहीं कौन सा था। हाँ, यहाँ से ना एक बॉल निकल रही थी और ना यहाँ पे कोई इतने सारे गेम है उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना था, तो उसके बाद एक गेम सिलेक्ट करो वो स्टार्ट जाता था। फिर ना वहाँ पे ये था कि यहाँ पे मॉस्किटो बहुत सारे आ रहे थे, इनको आपको ना निशाना लगा के सारे मच्छरों की वाट लगा देनी थी। हाँ हाँ, देखो तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मच्छर मारने पे लगे हुए थे, बॉल से सारे मच्छरों को निशाना बना रहे थे और सारे मच्छरों को हमने ख़त्म भी कर दिया। आप जेरी लैंड जाओ और आपको जेरी ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो जेरी आ चुके थे हमारे बीच और सबसे मुलाकात कर रहे थे, तो हम सब भी मिले उनसे और सब ने उनके साथ फ़ोटो भी ली, बच्चे बड़े सब ले रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। सभी जो है ना वो गेम का मजा ले रहे थे, तो फिर हम क्यों पीछे रहते भाई, तो हम भी लग गए। हमने भी गेम का मज़ा लिया और हमें बहुत मज़ा आया और हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, तो सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे ना साथ में कैफ़े भी था, तो आपको खाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ पे ही सब कुछ मिल जाता। वहाँ पर फूड पैकेज भी थे जो आप ले सकते थे, अगर आपको पार्टी करनी हो, बर्थडे पार्टी करनी हो, तो आप उसके लिए भी बुक कर सकते हैं, वहाँ पर उसके लिए भी एरिया बने हुए थे। वहाँ पर वीडियोस, पिक्चर वगैरह भी बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो हमने भरपूर लाभ उठाया। और अरहम जिसके लिए हम गए थे वहाँ पे, वो तो बहुत ही खुश था, तो मतलब हमारा पैसा वसूल हो गया क्योंकि वो बहुत इंजॉय कर रहा था और उसने इंजॉय किया भी। मतलब 3-4 घंटे हमें वहाँ पे उसने रोक के रखा है और गेम भी बहुत मज़ेदार थे, यूनिक थे, तो मज़ा भी आ रहा था बहुत खेलने में, इंटरेस्टिंग गेम थे। पर ये भी था कि अगर आप गेम खेलते हैं ना तो आपके पॉइंट्स बनते हैं और वो जो पॉइंट्स बनते हैं ना वो सारे एक जगह जुड़ते जाते हैं और फिर उन पॉइंट्स से ना आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, तो आप वहाँ जाकर गिफ्ट भी ले सकते थे। तो हमने तो जेरीलैंड में बहुत इन्जॉय किया, खासकर अरहम ने जिसके लिए हम वहाँ पर गए थे, उसने बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ पर जो हमें नई चीज़ देखने को मिली ना, VR गेमिंग, जो कि रांची में शायद न्यू है, वो पहला एक्सपीरियंस था और वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, मज़ेदार था। तो आप लोग भी जा सकते हैं, बच्चों को लेकर जाइए, खुद भी इन्जॉय कीजिए, बड़े भी जा सकते हैं और सब इन्जॉय कीजिए। तो गेम खेलते खेलते तो हमें पता ही नहीं चला कि शाम से रात हो चुकी है। जी हाँ, तो फिर हम लोग निकल पड़ते हैं घर के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।